everyone, and once again a very very warm welcome in your very own channel jiska naam hai beauty and fitness mantra with gargi. So guys, today's video is slightly raw and quite different, and काफी time से मैंने अपना fitness routine नहीं share किया था. Though I had gained lot of weight before lockdown, but I started religiously working out मार्च के टाइम से. मैंने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से फिटनेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम देने का मौका मिला, एंड आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 6 kgs. द जर्नी स्टिल ऑन, इट्स रियली नॉट दैट ईजी, बट ट्रस्ट मी, ईजी थिंग्स आर नॉट दैट वर्थ. यू नो, आप जितना एफर्ट डालेंगे और जैसा आप रिजल्ट देखेंगे ना, यू विल बी हैप्पी दैट यू स्टार्टेड दिस जर्नी. एंड दिस इज नॉट जस्ट अ जर्नी बट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो आपको एक फिट बॉडी देता है, एक हेल्दी माइंड देता है, एंड यू नो यू आर ऑल सेट टू गो अहेड इन लाइफ एंड अचीव लॉट मोर थिंग्स विच यू कैन विद अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी. सो टुडेज थिंग विच आई विल बी शेयरिंग बहुत सिंपल है, एंड जो बेसिक मेरा वार्म अप रूटीन रहता है, जिसकी वजह से बिना जिम जाए, बिना कोई डाइट करे मैंने 6 kgs लूज किया है सिंस मार्च. और बीच में मैंने 2 महीने वर्कआउट नहीं किया था, दैट वॉज इन नवंबर एंड दिसंबर, जब मैं बैक टू बैक यूट्यूब पे वीडियोज डाल रही थी. दैट टाइम आई कुडंट वर्कआउट, एंड ऑफकोर्स घर में थोड़ा सा रेनोवेशन चल रहा था, सो आई कुडंट वर्कआउट. एंड एज वी ऑल नो, जिम्स भी ऑलमोस्ट बंद ही थे थ्रू आउट लॉकडाउन पीरियड. बट आई मेड श्योर कि मार्च से लेके एक्सेप्ट 2 months आई रिलीजियसली वर्कड आउट एटलीस्ट 22 to 25 days अ मंथ. एंड उस वजह से मेरा 6 kgs लूज हुआ, एंड आई हैड रीच्ड टू 60 kgs, यू नो, एंड आई एम नॉट दैट टॉल. सो 60 kgs वॉज रियली अ बिग थिंग फॉर मी, एंड राइट नाउ आई एम 55, बट माई टारगेट इज 50-51, दैट्स व्हाट आई एम एमिंग एट. लेकिन वेट कुछ भी हो, डजेंट मैटर, इम्पॉर्टेंट है कि आप फिट रहे और हेल्दी फील करे. एंड मेरा तो मानना है वेन एवर आई स्वेट आउट, मेरा सारा स्ट्रेस निकल जाता है, आई रियली फील वेरी वेरी हैप्पी. वो कहते हैं ना हैप्पी हॉर्मोन. तो वेट लॉस जर्नी इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. आप वर्कआउट करेंगे वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है ही है, कि आप वेट लूज करेंगे वो तो होना ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. लेकिन उसके साथ साथ आप मेंटली बहुत स्ट्रांग फील करेंगे लाइफ में, जो भी चैलेंजेस आते हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, उससे कोप करने के लिए. सो ब्लैबरिंग बहुत हो गई, मैं सिंपल सा एक वार्म अप रूटीन क्या करती हूँ बेसिक आज शेयर कर रही हूँ. अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो चलिए साथ में शुरू करते हैं हमारा वार्म अप. एंड हम दोनों इस वेट लॉस जर्नी में साथ हैं. मैं भी शुरू कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ शुरू करिए. प्रॉपर स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है गाइज. कुछ भी आपकी बॉडी में फैट है, आर्म्स पे, पेट पे, पैरों में, नो प्रॉब्लम. उसे छुपाना नहीं है बल्कि उसको हमें हटाना है. प्रॉब्लम से भागना नहीं है, उसको सुधारना है. मेरे भी आर्म्स पे फैट है, मेरे भी स्टमक पे फैट है. आई एम स्टिल इन द प्रोसेस टू लूज इट. मैं चाहती तो इसे हाइड कर सकती हूँ, लेकिन आई रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव एंड गेट बेटर इन माई बॉडी शेप, जो मेरा टारगेट है. तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं अपर बॉडी से बेसिक शुरू कर रही हूँ गाइज. आर्म्स का रोटेशन 10 times फॉरवर्ड एंड 10 times बैकवर्ड. अब मैंने अपने पाम्स को सीलिंग की तरफ करके डिप्स कर रही हूँ, जिससे कि दिखने में आपको बहुत ईजी लगेगा. लेकिन अगर आप ये 20 times भी कर लेंगे ना, तो आपके आर्म्स का जो फैट है वो धीरे धीरे हर दिन कम होने लगेगा. अब मैं बैकवर्ड्स स्ट्रेच कर रही हूँ, ऑलमोस्ट बैकवर्ड इसको डिप कर रहे हैं हाथ को. तो आपका जो इनर आर्म का फैट होता है, जब हम स्लीवलेस पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, वो काफ़ी हद तक कम होता है. मेरा जो प्रॉब्लमैटिक एरिया है वो डेफिनेटली मेरे हैंड्स हैं, सो आई हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड ऑन इट. एंड अब मैं जब भी वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ, एवरी डे मेरा रूटीन है कि मैं ये प्रॉपर ऊपर से नीचे तक बैक स्ट्रेच ज़रूर करती हूँ, जिससे कि आप कोई सी भी एक्सरसाइज करें आपके बैक पे स्ट्रेच नहीं आएगा, ओवरऑल बॉडी में कहीं भी स्पैम नहीं आएगा, कैच नहीं आएगा, अगर आप ये बैक का फुल स्ट्रेच कर लेते हैं. योगा में तो ये बिल्कुल मस्ट होता है, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी बैक को ज़रूर स्ट्रेच करें, जिससे कि वो तैयार हो जाए, आपकी बॉडी वार्म अप हो जाए. सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी स्पाइन तैयार हो जाए वर्कआउट के लिए, कहीं भी झटका ना आए, इंजरी ना हो.
अब साइड्स के लिए भी हम करेंगे, लेकिन ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं दिस हैज़ रियली रियली हेल्प्ड मी। मेरे आर्म्स तो डेफिनेटली 1 या 2 इंच कम हुआ है आर्म्स का फैट। जैसे कि मैंने कहा, ये मेरी जर्नी अभी चालू है, अभी मेरा जो टारगेट है मैंने अचीव नहीं किया है, बट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर माई जर्नी ऑल्सो विद यू। तो अब मैं क्या करती हूँ कि 1 लीटर वाटर बॉटल जो भरी हुई है, पानी इसमें है, तो जो साइड्स के हमारे लव हैंडल्स आ जाते हैं घर का, यू नो, टेस्टी टेस्टी खाना खा के सर्दी में, गाजर का हलवा एंड वॉट नॉट, लाइक आई एम अ फूडी, तो साइड में जो यू नो लव हैंडल्स आ जाते हैं या स्टमक पे थोड़ा फैट आता है, तो अगर आप ऐसे साइड्स में करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो कमर है, आपकी जो वेस्ट है, उसका जो फैट है काफ़ी हद तक कम होगा, एंड आपकी जो वेस्ट है वो नैरो होगी, स्टमक का फैट जो होता है वो कट डाउन होता है। 1 या 2 दिन में आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा गाइज, यू रियली हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली। जैसे कि मैंने कहा, 30 मिनट्स भी आपने हर दिन ये बेसिक एक्सरसाइजेस कर ली ना, थोड़े थोड़े वेरिएशंस, तो आपको 1 महीने में ही डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, मुझे यू नो 6 kgs लूज़ किया है मैंने बिना जिम जाए, यही बेसिक एक्सरसाइज मेरा रूटीन रहता है। तो वाटर बॉटल से मैं काफ़ी वेरिएशन कर लेती हूँ, क्योंकि घर पे हमारे डंबल्स नहीं है, मैं जिम नहीं जा रही हूँ, सो दिस इज़ यू नो अ वेरी सिंपल वे टू लिफ्ट वेरी लाइट वेट, विच विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग वेट, और आपकी टोनिंग भी होगी। तो अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज से मेरे आर्म्स तो वर्क कर ही रहे हैं, साथ की साथ मेरे स्टमक की, मेरे एब्डोमेन की जो यू नो मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच हो रही हैं, आपकी वेस्ट पे जो यू नो टायर्स आ जाते हैं मेरे भी हैं, यू नो, जैसे कि मैंने कहा कि प्लीज़ अपनी कमियों को हमें ढकना नहीं है, उन्हें जड़ से निकालना है। तो अब धीरे धीरे मैं ये बेसिक एक्सरसाइजेस करती हूँ, हर दिन करती हूँ 30 से 40 मिनट। तो अब मैंने दोनों बॉटल सेम वेट की ले ली हैं, एंड अब मैं एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में। तो आप ये 20 times करिए, एटलीस्ट थ्राइस। यूजुअली यू नो शुरुआत में 2 सेट से ज़्यादा नहीं हो पाता है, बट आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे ना, बहुत सिंपल लग रहा है दिखने में, लेकिन जब आप करोगे ना आपको रियलाइज़ होगा डेफिनेटली आपकी वेस्ट पे, आपके स्टमक पे स्ट्रेच आता है, और 1 से 2 महीने में आपका जो कमर का साइज़ है, आपके स्टमक का फैट है, वो काफ़ी हद तक कम होने लगेगा गाइज। यू नो प्लीज़ मैं आपसे बोल रही हूँ कि कुछ भी एक्सरसाइज करें, बीच बीच में ये बैक स्ट्रेच जरूर करें, जिससे कि आपकी सारी जो एक्सरसाइजेज हैं उसका जो यू नो किसी भी तरीके से आपकी बॉडी पे इंजरी नहीं आएगी। आई ऑलवेज मेक श्योर कि हर सेट के बाद मैं ये बैक स्ट्रेच ज़रूर करूं, जिससे कि मैं कितना ही वर्कआउट कर लूं, मेरे यू नो कोई स्पैम नहीं आता है, कोई कैच नहीं आता है, एंड बेसिकली आई फील फिट कोई सी भी एक्सरसाइज करने के बाद। सो ये बेसिक है लेकिन बहुत बेनिफिशियल है, अगर आप यू नो ये 3 सेट करते हैं 20-20 के, यू नो जस्ट मेक श्योर आप देख लीजिए तरीके से कि ये आपके यू नो आर्म्स पे भी वर्क कर रहा है, आपके फैट पे भी वर्क कर रहा है, आपकी थाइस पे भी वर्क कर रहा है। सो बेसिकली इट इज़ अ ओवरऑल वर्कआउट विच आई डू, लुक्स वेरी वेरी सिंपल, बट इफ़ यू डू इट कंसिस्टेंटली, एटलीस्ट हर एक एक्सरसाइज 20 times करनी है, 3 सेट। अगर शुरुआत में आप 3 सेट नहीं कर सकते हैं, बिगनर हैं, नो प्रॉब्लम, 1 सेट से शुरू करिए, 20 times करिए। अब ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, जो हम बचपन में से यू नो पीटी क्लास में करते थे, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, बट दिस रियली वर्क्स फॉर योर स्टमक फैट, फॉर योर आर्म्स, इवन फॉर योर हिप्स, ओवरऑल बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छा टोनिंग का काम करता है, एंड मेरे को तो बहुत ही बेनिफिशियल हुआ है। अपर बॉडी में इसलिए ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि जो मेरा प्रॉब्लम एरिया है वो आर्म्स है, कई लोगों का स्टमक होता है, कई लोगों का थाइज होता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना केवल ये आपके चेस्ट को एंड यू नो आपके जो अपर बॉडी है उसको बहुत टोन करता है, आर्म्स को टोन करता है, और आपकी जो कॉलर बोन है वो बहुत इन्हांस होती है। सो आई डू दिस 20 times एंड 3 sets, यानी कि 20 एक बार करती हूँ, फिर 5 सेकंड का ब्रेक लेती हूँ, फिर 20 times एंड अगेन 20 times। अब ये जो एक्सरसाइज है अगेन यू नो आपके लव हैंडल्स को दूर करेगी, आपकी कमर का जो साइज़ है उसको कम करेगी, एंड साथ की साथ आपके हाथों पे जो फैट है उसको भी कम करेगी। आई नो लॉट ऑफ गर्ल्स जिनका ओवरऑल बॉडी बहुत अमेजिंग होता है, लेकिन आर्म्स पे जो फैट होता है उसकी वजह से मैं भी स्लीवलेस पहनने से पहले 4 बार सोचती हूँ। सो आई डोंट वॉन्ट टू शाई अवे फ्रॉम माई फ्लॉज,
और मैं फ्लॉज भी नहीं कहूँगी इसे, यू नो बिग आर्म्स आर ब्यूटिफुल, लेकिन आपको जो भी आपका टारगेट है उस हिसाब से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, यू नो, एंड ओवरऑल बॉडी पे जब आपका वेट लूज होगा तो आर्म्स पे भी कम होगा, हाथों पे भी कम होगा, एंड अगेन दिस इज़ डिफरेंट वेरिएशन जो मैं हर दिन करती हूँ, इससे आपकी जो अपर बॉडी है वो बहुत टोन्ड रहती है, एंड यू नो आर्म्स पे भी फैट कम होता है. सो बेसिकली मैं कोई हाई इंटेंस एक्सरसाइज आज आपको नहीं बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी 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 बेसिक, दिखने में बहुत आसान लगती है गाइज, लेकिन आप 20 टाइम्स करेंगे एंड 3 बार करेंगे 20, 40, 60 तो काफ़ी हद तक यू नो आपको वो बर्न फील होगा, एंड ओवरऑल बॉडी में यू नो एक वार्म अप के साथ साथ टोनिंग आएगी. नाउ आई विल स्ट्रेच माय हैंड्स टू द सीलिंग, यू नो ऊपर नीचे अप डाउन अप डाउन, आई डू इट 20 टाइम्स नॉन स्टॉप, देन आई वेट फॉर 5 seconds, अगेन आई रिपीट दिस सेम एक्सरसाइज फॉर 20 टाइम्स, आई वेट फॉर 3 to 5 seconds एंड अगेन आई डू इट फॉर 20 टाइम्स, तो 60 टाइम्स मेरा हो जाता है. एंड यू नो जैसे कि मैंने कहा बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हम बिना कोई इक्विपमेंट के कर रहे हैं, खुद के बॉडी वेट पे कर रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेचिंग बेसिक वार्म अप डेफिनेटली कंसिस्टेंटली आप करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा डिफरेंस दिखेगा. मैं लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी एक्सरसाइजेस घर में अपने रूम में ही करती हूँ म्यूज़िक चला के, एंड इट हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी इन लूजिंग यू नो 5 to 6 kgs विद नो डाइट विद नो हिटिंग द जिम, घर पे सिंपल सा वर्कआउट. अब ये लंजेस हैं तो इससे आपके यू नो लेग्स जो हैं वो बहुत टोन्ड रहते हैं, आप जीन्स पहने या शॉर्ट स्कर्ट पहने, योर लेग्स रियली गेट टोन्ड. बहुत ज़्यादा दर्द होता है काव्स में, शुरू में 1-2 दिन दर्द होगा, बट गाइज प्लीज ट्राई इट, इट्स अमेजिंग. ओके गाइज, तो ये था मेरा बेसिक यू नो एक्सरसाइज रूटीन जो मैं थ्रू आउट लॉकडाउन फॉलो कर रही हूँ. बिना जिम जाए बड़े आराम से आप वेट लूज कर सकते हैं, महंगी महंगी मेंबरशिप देने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं भी कर चुकी हूँ कि जिम की मेंबरशिप दो एंड देन आप जाते हो नहीं जाते हो, लॉकडाउन में तो जिम बंद ही थे. तो जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में है एंड दे रियली वॉन्ट टू लूज वेट, ट्रस्ट मी ऑल यू नीड इज डेडिकेशन, दैट्स इट. आपको सिर्फ 20 to 30 minutes हर दिन, महीने में एटलीस्ट 20 to 25 days आपको करना है 20 से 30 minutes बेसिक एक्सरसाइजेस गाइस, कुछ यू नो रॉकेट साइंस नहीं है. एंड अगर मेरा भी बहुत बेसिक लगा हो तो यू नो प्लीज़ डोंट जज, क्योंकि सबकी वेट लॉस जर्नी फिटनेस जर्नी अलग होती है. आई स्टिल हैव टू लूज, अगर आपने नोटिस किया होगा तो पूरे वीडियो में मैंने यू नो आर्म्स की एक्सरसाइजेस ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि मेरे पे जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो मेरे आर्म्स हैं, अभी भी है. आई स्टिल हैव टू वर्क ऑन इट, बट दैट्स ओके. यू नो अगर मैं कंसिस्टेंटली करती रही तो ये भी काफ़ी हद तक कट डाउन होगा. अगर आप पहले के मेरे वीडियोज़ देखेंगे, ऑफकोर्स यू नो द वे आई ड्रेस अप, आई ट्राई टू हाइड माई फ्लॉज, बट आई थॉट इंस्टेड ऑफ हाइडिंग क्यों ना उन फ्लॉज पे काम किया जाए और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया जाए. तो आज जो आपने यू नो रूटीन देखा, एक्सरसाइजेस देखी, आर्म्स पे बहुत फोकस था, लव हैंडल्स आ जाते हैं, मेरे भी थोड़ा सा है, आई स्टिल हैव टू वर्क ऑन इट, चला जाएगा, आपका भी चला जाएगा. सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, भले 20 मिनट करो लेकिन करो गाइस, प्लीज करो. जब पसीना निकलेगा आप स्वेट आउट करेंगे ना, ट्रस्ट मी, सबसे पहले ऑफकोर्स योर बॉडी विल थैंक यू एंड योर स्किन विल लव यू. यू नो आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी वंस यू स्टार्ट स्वेटिंग आउट, एंड ऑफकोर्स यू विल फील मोर एनर्जेटिक एंड मोर फिट. वेट लूज 110% होगा. बेसिक एक्सरसाइजेज है लेकिन ये एक्सरसाइजेज मांगती हैं कंसिस्टेंसी, एंड इसके साथ साथ ऑफकोर्स यू कैन हैव मैजिकल वेट लॉस ड्रिंक, जो ऑलरेडी रेसिपी मैं यू नो खुद भी एवरी डे आई कंज्यूम दैट हेल्थ का जो मैजिकल ड्रिंक है जो मैंने आपको ऑलरेडी अपने चैनल पे बता रखा है, वेट लॉस ड्रिंक आई कंज्यूम इट एवरी सिंगल डे, एंड दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी कि एक्सरसाइजेस के साथ साथ मैंने वो हेल्थ ड्रिंक पी जो मैंने घर पे ही बनाई है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, एंड रियली इट हैज़ हेल्प मी इन माय वेट लॉस जर्नी. अभी भी मेरा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ, आई स्टिल हैव टू वर्क ऑन इट, लेकिन आप और मैं साथ मिलके कर सकते हैं. आज का वीडियो यू नो थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज देर इज़ नो वन टू होल्ड द कैमरा, सो आई एम जस्ट यू नो आई हैव केप्ट इट ऑन द स्टैंड, एंड आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, बट इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, कैसे बता रही हूँ. आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड, यू ऑलरेडी नो मी बाय नाउ. सो
आपको ये सिंपल सी एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस घर बैठे बड़े आराम से हो जाए। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, हर दिन 20 से 30 मिनट आपको पसीना निकालना है। अच्छी एक्सरसाइजेस मैं और आपके पास लेकर आती रहूंगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है प्लीज कॉमेंट बिलो कि क्या आप देखना चाहते हैं यूरो वेट लॉस के और वीडियोज, क्या एक्सरसाइजेस आप घर पे कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी विदाउट हिटिंग द जिम, विदाउट स्टार्विंग, विदाउट एनी डाइट। घर के खाने से, सिंपल एक्सरसाइजेस से आप कैसे अपना वेट लूज कर सकते हैं। गाइज, आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी। I have not achieved what I want, but I'm still happy with the result I'm getting. 6 किलो मैंने कम किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैंने यू नो कंसिस्टेंटली फोकस रखा, मेहनत करी एंड ऑफकोर्स आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ जंक फूड, तो मैं बाहर का तो वैसे भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट घर का खाना मैंने सब कुछ खाया है। आई हैव नॉट स्टॉप्ड ईटिंग राइस, आई हैव नॉट स्टॉप्ड कंज्यूमिंग शुगर, एवरीथिंग इज फाइन। इम्पॉर्टेंट है आप लिमिट में खाएं, ओवर कुछ ना करें, दैट्स इट। एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। इफ यू वॉन्ट टू सी मोर सच वीडियोज प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आज का वीडियो कैसा लगा है डू कॉमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब फैम। आई विल सी यू सुपर सुपर सून। टिल देन स्टे।